हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रियल द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस एट 15, 14. नाउ योर एग्जाम्स आर वेरी क्लोज एंड ओनली फ्यू डेज़ आर लेफ्ट इन योर एग्जाम्स सो अब हम कुछ एक बकेट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एंड इसलिए फटाफट एक पेन पेपर ले लो कहीं पे भी इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा पी वाई की में आए रखे हैं और इससे आप नाइन प्लस सी जी पी एजिली स्कोर कर सकते हो सो आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी बकेट लिस्ट के बाद पक्का अच्छी होगी तो वी विल स्टार्ट विद यूनिट थ्री यूनिट थ्री आपकी आपको पता ही है मोस्टली थियोरेटिकल है सो so, इसके अंदर थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है अच्छा अच्छा लिखना है तो अब मैं टॉपिक्स बता देती हूँ स्टार्ट नोटिंग दैन सबसे पहले आपका स्पीड कंट्रोल डीसी शंट मोटर का इसके अंदर तीन है फ्लक्स कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल और रियो कंट्रोल सेकेंड है आपका स्पीड कंट्रोल डी सीरीज मोटर का टॉपिक नंबर थ्री इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर जो कि हम थ्री फेज इंडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं टॉपिक नंबर फोर है डीसी मोटर एंड जेनरेटर जिसका वर्किंग प्रिंसिपल ईएमएफ इक्वेशन है गाइस इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो डू प्रैक्टिस इट टॉपिक नंबर फाइव है कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है और इसका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज़ क्या होती है उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है वर्किंग क्या होती है सो विथ सर्किट डायग्राम विद अ डायग्राम आप इसको ड्रॉ करके पूरा अच्छे से जैसे नोट्स में आपको गिवन है मेरे वैसे आप इसको लिख के आओगे सिक्स टॉपिक इज़ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर या फिर टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर या फिर वाई थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग इसका भी पूरा आपको एज इट इज लिखना है ये इसके और टाइप के क्वेश्चन है कि या तो ये आएगा या ये आएगा या सो आफ्टर यूनिट नंबर थ्री वी हैव यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर में आपका सबसे पहला टॉपिक है दैट डिराइव ई एम एफ इक्वेजन इन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड ऑल्सो डिस्कस ट्रांसफॉर्मर लॉसेज इन डिटेल ठीक है कॉपर लॉस आयरन लॉस हिस्टेरिस लॉस ये सब जो थे उनका डिस्क्रिप्शन आप कर देना ठीक है उसके बाद सेकेंड टॉपिक है दैट डिराइव कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को भी डिस्कस करना है वो भी मेरे नोट्स में क्वेश्चन है वहीं से आप प्रिपेयर कर लेना थर्ड टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसफार्मर उसका वर्किंग इक्वेलेंस सर्किट डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन ये सब इम्पॉर्टेंट है तो छोटे छोटे हेडिंग देके सब हैडिंग दे अपने आंसर्स को लिखना अभी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम्स टॉपिक नंबर फोर इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन टॉपिक नंबर फाइव इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पी टॉपिक नंबर सिक्स विच इज़ द लास्ट टॉपिक मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस ओके दिस कम्प्लीट्स यूनिट नंबर फोर सबसे मेरी बड़ी एडवाइस ये होगी कि आप लोगों ने जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है गुड जो कर रहे हैं या ऑन द वे हैं प्रिपरेशन की वो एक टेक्निक फॉलो करेंगे दैट दे विल स्टार्ट विद यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर वो ज़्यादा थियोरिटिकल है एंड इट्स ईजी टू स्कोर ठीक है आप इतने कम टाइम में उन यूनिट्स को प्रिपेयर करके अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं उसके बाद में आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपके इसके अंदर कोई भी मार्क्स कट ना हो फोकस ऑन देम जो भी नोट्स में है उसे अच्छे से लर्न करिए नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज एंड दे आर हैंड रिटन ऑल्सो सो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एज इट इज उसे याद करके एज इट इज लिख दीजिएगा नाउ यू हैव यूनिट नंबर टू सो यूनिट नंबर टू के नोट डाउन कर लो सीरीज रेजोनेंस और उसका क्वालिटी फैक्टर उसकी डेरिवेशन पैरेलल रेजोनेंस और उसके क्वालिटी फैक्टर की डेरिवेशन ये दोनों के मैंने वॉइस नोट्स भी भिजवाए थे आपके आई पी ओ वाले ग्रुप पे तो उसको भी एक बारी ध्यान से सुन लेना उसमें फेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम एज इट इज़ जो नोट्स में लिखा है ना वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब उसमें कट शॉर्ट मत करना वो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा कंसाइज है तो उसको और कट शॉर्ट मत करना फिर थर्ड टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन फेज एंड वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्शन टॉपिक नंबर फोर इज़ दैट डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट फॉर थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन टॉपिक नंबर फाइव इज डेराइव फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर आर एम एस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू फॉर फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफाइ अब इसकी डेरिवेशन मेरे नोट्स में है अब जो लोग थोड़ा भूल जाए एग्जाम में उनके लिए मैंने एक एंड में टेबल दिया था अगर आपने वीडियोस ध्यान से सुने हो और नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें एक छोटा सा टेबल है उसमें सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं थोड़ी बहुत डेरिवेशन भूल जाते हो तो कोई नहीं वैल्यूज़ मत भूलना आंसर बॉक्स में करके आओगे वैल्यू लिख कर आओगे एज इट इज़ करेक्ट सो दैट्स गॉन आ रियली हेल्प यू टॉपिक नंबर सिक्स इज़ दैट डिफाइन एक्टिव पावर रिएक्टिव पार अपरेंट पार एंड पावर फैक्टर एंड एक्टिव पार रिएक्टिव पार और अपरेंट पार का तीनों का रिलेशन वो ठीक है वो इम्पॉर्टेंट है नाउ कम्स यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन में थ्री थ्री टॉपिक्स आ देर टॉपिक नंबर वन इज़ डेराइव कंडीशन फॉर मैग्जिम पावर ट्रांसफ़र थियोरम टॉपिक नंबर टू इज स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का ट्रांसफॉर्मर टॉपिक नंबर थ्री तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वन की सो so, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर वन की वेदर आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दैट इज थेवनस नॉट अन आन सुपरपोजिशन इसका न्यूमेरिकल इन तीनों में से एक का पक्का होगा डेफिनेशन होगी अगर खाली न्यूमेरिकल आया है राइट डाउन द डेफिनेशन एज वेल थेवन का आया है ठीक है न्यूमेरिकल आया है वॉट इज थेवनस थ्योरम वो लिखो नॉटन पे आया है तो नॉटन की थ्योरम की डेफिनेशन लिखो सुपर पोजिशन पर आए तो उसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखो टाइम बच जाता है आगे थोड़ी स्पेस छोड़ देना साइड में क्योंकि कॉपी एक ही मिलती है एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती तो थोड़ी साइड में स्पेस छोड़ देना जैसे लेफ्ट साइड पे लिख रहे हो तो राइट right साइड में थोड़ी सी स्पेस जहाँ पे अगर बाद में टाइम बचा तो हाउ टू फाइंड वी टी एच आर टी एच शॉर्ट में उसके स्टेप्स लिख दो ठीक है नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको अपना एग्जाम लिखना कैसे है ठीक है हाउ टू राइट इट टू गेट गुड सी जी पी ए तो अब हम वो कवर करेंगे या सो इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी टू हाउ टू राइट टू गेट गुड मार्क्स तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपना पेपर बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन लिख रहे हो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही टू थ्री मिनट्स का टाइम दो रीड करने का एनालाइज करो कौन सा आपको यूनिट आती है कहाँ से आपको स्टार्ट करना है उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो दो तीन मिनट आंसर फ्रेम करो उसके बाद लिखना स्टार्ट करना कॉपी में काटा पीटी ज़्यादा मत मचाना क्योंकि क्रिस क्रॉस देखकर टीचर थोड़ा तो मतलब अपसेट हो ही जाता है ना उसको लगता है इसको आता नहीं है तो कॉपी हमेशा नीट एंड क्लीन रखना डेफिनेशन है तो उसके साथ में छोटा सा खुद से फ्लो चार्ट बना दिया जैसे सपोज करो आया व्हाट इज लीनियर एलिमेंट तो तुमने बोला कि जो एलिमेंट ओम्स लॉ फॉलो करता है तो नीचे तुम बॉक्स में लिख दो पेंसिल से बना के फॉलोज ओम्स लॉ और एक ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बना दो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट उसमें तुमने डायग्रामेटिकली बता दिया डेफिनेशन दे दी एग्जाम्पल दे दिया सब कर दिया तुमने तो वो एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है अगर तुम चार्ट हो यूनिट फोर से और उसके बाद तुम यूनिट टू पे जाना चाहते हो तो ऊपर हेडिंग दो जैसे अब तुम्हारे क्वेश्चन आए वॉट इज़ अ ट्रांसफॉर्मर ठीक है उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सबसे पहले तुम एक हेडिंग दोगे ट्रांसफॉर्मर की फिर उसकी डेफिनेशन फिर एक सब हेडिंग देनी है उसकी कंस्ट्रक्शन की फिर एक और सब हेडिंग फॉर वर्किंग अब मैं ये नहीं बोल रही ब्लैक पेन यूज़ करो ब्लैक पेन मत करो ब्लू पेन से ही सब हेडिंग दो पेपर नीट लिखना दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और कोशिश करना जितना तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी तरफ से उतना एक्सप्लेन कर दो क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन राइट डाउन दिस बकेट लिस्ट एंड जिसको वन शॉर्ट वीडियोज कम टाइम में एक्सेस करना है लाइक फोर टू फाइव आवर्स में इलेक्ट्रिकल ख़त्म करना है वो जल्दी से जल्दी आई पी ओ सीरीज़ ज्वाइन कर लो ऑल द वेरी बेस्ट